सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, फर्स्ट न्यूज आती है सोमराज और गोल्ड डिवाइस रिलेटेड। तो सोमराज ने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें लिखा था फेयर एंड लवली एड वी लाइक। फिर इस पर गोल्ड डिवाइस को अच्छा नहीं लगा और गोल्ड डिवाइस को रिप्लाई देते हुए क्या बोले आप देखो। यार मतलब इतने ही बड़े चार चार ट्रॉफी जीत के भी आज भी आई डोंट नो हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स एंड हाउ मेनी फॉलोअर्स डज ही हैव, शुड बी सेइंग दिस। मेरे को ये मतलब आई डोंट वांट टू बी एरोगेंट और रूड, बट इतने अच्छे इंसान होते हैं, इतनी अच्छी नीयत होती है उनकी, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ अपने एक्शन से ही आगे बढ़ जाते हैं। तो सैवेजरी और तरक्की देवे, भगवान उसको लंबी उम्र देवे, गॉड ब्लेस हिम। ब्लैक हो वाइट हो वो सब उससे क्या फर्क पड़ता है, एस्पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे 10 गुना ज्यादा मच्योर्ड है। और बहुत सारे गोरे लोग देखे हैं जो गोरे हो के जिनकी हरकतों की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में फैलती जा रही है, तो हम काले ही अच्छे हैं या पावर भाई हमारा काला ही अच्छा है, कम से कम दिल से तो गोरा है। फिर उसके बाद इस पर सोमराज की तरफ से रिप्लाई आया और वो क्या बोले आप देखो। गोल्डी भाई ऐसा बोलते कुछ बोलेंगे ही नहीं और बहुत कुछ बोल देता है, पर कोई ना, गोल्डी भाई मेरे को पता है कि बहुत अच्छे इंसान है और मेरे को उनका जर्नी बारे में पता है। मतलब मेरा एक टीममेट था बोबडो, वो मेरे को बता रहा था बहुत सारी चीज़ें कि कब वो दिल्ली गया था, कौन था, कोई लायन था, बहुत अच्छे से उसकी खातिरदारी की थी। मेरे को पता है फिर कि गोल्डी भाई बहुत अच्छे इंसान है। यार गोल्डी भाई क्या बच्चों के मैटर में पड़ रहे, ऐसे भी आपको मतलब ये पूरा बात तो पता नहीं था, तब भी आपने कुछ ना बोल के भी मेरे परवरिश, मेरे मेंटल स्टेट और क्या और जो भी के बारे में बोल दिया। ठीक है, क्या कर सकता है, आप जो काम करो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी और बहुत अच्छा कर रही है। फिर इस मैटर पर स्काउट से पूछा गया तो स्काउट क्या बोले आप देखो। सोमराज ऐसी स्टोरी ऑन एस्पावर, भाई देखो मैं ये सब चीज़ों से परे जा चुका हूँ अभी। लोगों को जिसको जो बोलना है बोले, जो करना है करे, जब तक अपने पे बात नहीं आती है बोलने वाली चीज़ नहीं, अपने फैमिली पे बात नहीं आती है बोलने वाली चीज़ नहीं है। मैंने देखा नहीं स्टोरी, कुछ गलत होगा तो ऑब्वियसली मैं आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि हम उनमें से नहीं है जो चुप रह के शांत रह जाए और बोले कि भाई जो दुनिया में हो रहा होने दो, वैसा नहीं है। जो मेरे को गलत लगता है मैं बोलता हूँ, सब अपना ओपिनियन देते हैं, हम भी जितनी ज़रूरत है उतनी ओपिनियन देंगे, जितनी ज़रूरत नहीं है जिसके अनवांटेड चीज़ें वो नहीं बोलेंगे। सो बस गेमिंग गुरु जोनाथन से पूछते हैं उनका यूट्यूब हाईएस्ट अर्निंग कितनी थी, फिर इस पर जोनाथन क्या बोले आप देखो। यस, एक महीने में हाईएस्ट अर्निंग अभी तक, तुम लोग बताओ। मैं चल हम गेस मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से 3 फॉर्च्यूनर एक बार ऐसा बोल दीजिए। हाँ गुरु तू सच बोल रहा है यार, तू सही बोल सकता है, मुझे लग रहा है। सो एंकी बोर्ड रिएक्ट किए जीगॉट पर कि उनको फिफ्थ प्लेयर क्यों बना दिया और वो इतना अच्छा सपोर्ट प्लेयर थे, आप देखिए वो क्या कहे। सर जीगॉट अच्छा बंदा था, उसको क्यों फिफ्थ मैन कर दिया लाइनअप में। देखो जो लाइनअप की साइड है उसके बारे में मेरे को उतना पता नहीं होता, बट बंदा अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, बट इट्स ऑल अबाउट द टीम ना, कि वो चार प्लेयर्स जो खेल रहे हैं उनका ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस किस प्लेयर के साथ आता है, दैट इज वन थिंग विच मैटर्स अ लॉट। जीगॉट अनडाउटेडली यार, मतलब आई थिंक वी डोंट इवन नीड टू टॉक अबाउट इट कि वो कितना महान खिलाड़ी है। बट अबाउट द टीम, टीम सिनर्जी किसके साथ बेटर बन रही है, जो नया पॉइंट स्टैंडिंग पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके साथ चल करके कौन सा जो प्लेयर्स है, कौन सी टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर आ पा रहा है, सो दैट्स हाउ आई थिंक द फिफ्थ प्लेयर इज ऑलवेज सेलेक्टेड। सो एज आपको पता होगा मावी शादीशुदा है, उनकी मैरिज हो गई थी, तो मावी बात की कि क्या वो ई-स्पोर्ट्स छोड़ सकते हैं और वो इन सबको इतना हैंडल कैसे करते हैं, इस पर मावी क्या बोले अब देखो। इतने टाइम देते हैं इन चीज़ों को, फिर मैरिड लाइफ को टाइम कैसे देते हो। रियाज ओपी तुम वही तो समझो, तुम्हारा भाई हंस खेल के तुम्हारे आगे ही हा हा करके तुम लोगों को एंटरटेन करने आ जाता है, बैक एंड पे कितनी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, कितना सब संभालना पड़ता है ये किसको पता। ई स्पोर्ट्स करते रहते हो, कभी कुछ करते रहते हो, कभी बोल देते हो दल्ला आया नहीं, दल्ला आया नहीं, वो नहीं। एक आदमी कितनी प्रॉब्लम्स के साथ जूझता है वो उसको खुद को ही पता होता है। सो गाइस आपको पता होगा अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से काफी सारे गेमिंग क्रिएटर मिले, तो डायनेमो रिएक्ट किया इस पर और वो बताए कि वो इन सब मीटिंग में क्यों नहीं गए, आप देखिए वो क्या कहे। देखो गेमर इज अ गेमर ब्रो, आप ऐसे मत बोलो कि ये नहीं मिल पाया, ये मिला, वो नहीं मिल पाया, ये मिला, बिकॉज हम सबका इंटेंशन एक ही है, टू बूस्ट द सिनेरियो ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, टू बूस्ट द सिनेरियो दैट इज हैपनिंग इन कम्युनिटी, राइट। हमारा हम सबका मोटिव एक ही है, चाहे एक बंदा मिले तब भी वो जाके एक ही बात करने वाला है कि भाई इंडिया में गेमिंग को कैसे ग्रो कर सकते हैं, जो सीन जापान में, चाइना में, यू नो ऐसी जगह पे हैं, तो कैसे वहाँ जैसे ग्रो हुआ वैसे इंडिया में कैसे होगा। हम सबका मोटिव एक ही है कि इंडिया में ये सब चीज़ें कैसे होगी, कब होगी। तो इट डजंट मैटर कि कोई भी बंदा चाहे ब्रो, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमारे तरफ से बंदे गए एंड वो एक ही चीज़ बोलने वाले, सो दिस इज द बेस्ट एंड द बेस्ट थिंग दैट could have ever happened in the gaming community bro, in the gaming scenarios। सो बस गोल्डी भाई कुछ फैंस पर एंग्री रिप्लाई दिए जो लोग उनके बूट कैंप के बाहर मिलने के लिए वेट करते रहते हैं, तो ये चीज पर गोल्डी भाई क्या कहे आप देखो। गेमिंग हाउस के बाहर खड़ा हो प्लीज भावेश भाई, ऐसा ना करें। देखे हजार बार ही हजार स्ट्रीम से बोला जा चुका है कि ऐसे आगे खड़े होने से नहीं होगा, थोड़ा बात को समझिए। अब आप चाह रहे हैं कि हम जो जो काम कर रहे हैं
सब छोड़ के अगर हम आपको खाली एक सेकंड के लिए मिल भी लेगा कोई आके तो ना करे यार। आप वेट कर रहे हैं कि कोई फ्लाई आए तो आप सुपर चैट करें तो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आई एम रियली सॉरी। आपको पानी वानी पीना है तो गार्ड को बोलिए, चाहे ठंडा पानी जो पीना है पिए। सो गाइस अब तक के लिए वीडियो में इतना ही। इस तरह का स्पोर्ट्स न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय।